न्यूज। छपरा जिले के मसरक थाना क्षेत्र अवस्थित स्टेशन रोड में बुधवार की शाम में पुराने मकान की दीवार तोड़ने के क्रम में बगल में खड़े स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में दीवार गिरने से दब गए, जिससे घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें सीएससी मसरक में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर एस के विद्यार्थी ने घायल का प्राथमिक उपचार किया, परंतु स्थिति को गंभीर देखते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। इलाज के दौरान घायल की पहचान रेलवे जंक्शन रोड के पास 45 वर्षीय राजकुमार प्रसाद के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार घायल के स्टेशन रोड में सोने चांदी और बर्तन की दुकान है। घायल के पति ने बताया कि मकान मालिक के द्वारा जबरदस्ती दुकान खाली करवाने के लिए दुकान की दीवार को तोड़ा जा रहा था। इनके दीवार तोड़ने से रोका जा रहा था कि अचानक दीवार इनके ऊपर ही आ गिरा और वे घायल हो गए। घायल की पति ने बुधवार को रात को ही थाना पुलिस के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। उक्त मौके पर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने महिला को पहले इलाज कराने की व्यवस्था कराया। मामले में थाना अध्यक्ष द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है। घायल महिला के द्वारा आधा दर्जन लोगों को भी आरोपित करने की बात बताई गई है। मसरक से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।